मंत्री नितिन गडकरी के संकल्पना से आयोजित खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन आगामी 12 जनवरी से 28 जनवरी तक किया गया है, जिसकी तारीख एवं ध्वज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां विशेष रूप से कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विश्व चैंपियन हिमा दास और कार्यक्रम के अध्यक्ष नितिन गडकरी मौजूद थे। 2018 से जिस खेल महोत्सव की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से की गई थी, इस बार यह छठवां संस्करण है जो 18 दिन चलने वाला है। गौरतलब है कि इस खेल महोत्सव में वरिष्ठ नागरिक, महिला, युवा, बच्चे, साथ ही साथ दिव्यांगजन भी हिस्सा लेंगे, जहां सभी खिलाड़ियों का 1.5 लाख का बीमा भी कराया गया है ताकि खिलाड़ी की सुरक्षा की गारंटी हो। इन 18 दिनों में लगभग 56 खेलों के माध्यम से 65,000 खिलाड़ी 67 मैदानों पर नजर आएंगे, जहां कुल 1,35,00,000 के पुरस्कार की घोषणा ध्वज वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। इस समय विशेष अतिथि के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए विश्व चैंपियन हिमा दास ने कहा कि नागपुर नगरी में आकर मैं धन्य हुई हूँ, जहाँ मैं श्री गणेश के दर्शन के साथ ही विकास पुरुष नितिन गडकरी से मिली, जो मेरा काफी पहले से सपना था। इस समय खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए हिमा बोली की खेल उस त्याग की कसौटी है जिसमें घर परिवार, यहाँ तक कि पसंदीदा खाना भी छोड़ना पड़ता है। यह कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने कर दिखाया है, आप भी कर सकते हो। यह भाषण सिर्फ सुनना नहीं तो जीवन में उतरना भी है और आशा करती हूँ कि नागपुर से कई चैंपियन इस माध्यम से विश्व में परचम लहराएंगे। मुझे आज ये मंच में आके इसलिए गर्व हो रहा है कि यहाँ पे नीचे बच्चे बैठ रहे हैं, एक दिन यहाँ पे जाके इंडिया का नाम रोशन करेगी। ग्रासरूट बहुत जरूरी होते हैं और ये नागपुर से सीखना चाहिए पूरा भारत, और कहीं पे भी जाऊंगी आज से मैं नागपुर का ये खेल महोत्सव के बारे में सबको बोलूंगी कि ऐसे करिए। कहीं ना कहीं ऐसे भी लगते हैं खेल महोत्सव देख के हमारे आसाम में भी खेल महारत हो रहा है, इंस्पायर से हो रहा है। बहुत खुशी हुआ कि हमारा वहाँ पे खेल महारण हो रहा है और इंस्पायरमेंट नागपुर से ही हुआ है और नितिन सर ने की है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे हर स्टेट करे, हर डिस्ट्रिक्ट करे, हर सिटी में करे। ऐसे तो पहले नहीं थी, मुझे पता है कि पहले खेल में इतना करियर नहीं थे, लेकिन आज का डेट में खेल में करियर है और मैं हूँ। मुझे खेल के जरिए किसको मालूम है कि भागते भागते एक दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप बन जाएगी। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने विचार रखे, जहां उन्होंने कहा कि इस खेल महोत्सव के जरिए यकीनन नागपुर और विदर्भ के खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। इस समय कार्यक्रम की सूची घोषित करते हुए उन्होंने बताया कि दिनांक 12 से 28 जनवरी के भीतर विदर्भ स्तरीय साथ ही साथ एक राष्ट्रीय खेल भी आयोजित किया गया है, और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस खेल में दिव्यांग भी हिस्सा लेने वाले हैं, जो विशेष है। इस समय गडकरी ने जनता से आह्वान किया कि हमारे नागपुर में भी हिमा दास जैसे खिलाड़ी जन्म ले, इसी दृष्टि से ये आयोजन किया जाता है। God bless you, best wishes, नितिन गडकरी। हमारे देश के खिलाड़ी जब विदेश में जाकर देश के लिए सफलता हासिल करते हैं तो हमारे छोटे छोटे खिलाड़ियों से लेकर सभी नागरिकों के मन में एक अभिमान जागृत होता है, स्वाभिमान जागृत होता है। और हिमा जी का स्वागत करते हुए मैं आपको सबसे बड़ा एक आह्वान करूंगा, एजेंडा दूंगा कि हमारे नागपुर में भी हिमा पैदा होनी चाहिए। ये करके महोत्सव का उद्देश्य यही है कि हमारे नागपुर में खेलने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर खेल का ऐसा प्रदर्शन करें कि नागपुर का नाम केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व के कोने तक पहुंचे, यही हमारी सबकी इच्छा है। और इसलिए आप सब खिलाड़ियों को एक अवसर देना, आपके व्यक्तित्व का, आपके कर्तृत्व को, आपके नेतृत्व को विकसित करने का मौका देना, यही इसका उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग
6 साल पूरे किए हैं। नागपुर के सांसद एवं देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इस सराहनीय कदम का पुरस्कार सभी तबकों से हो रहा है, जहां बूढ़े, बच्चे, युवा और दिव्यांग जन भी हिस्सा लेंगे। और इस संस्करण की विशेषता है कि इस साल विश्व चैंपियन तीरंदाज ओजस देवतले भी खेलने वाला है, जिससे कि यकीनन नागपुर का महिमा मंडन विश्व स्तर तक पहुँचेगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।